से अर्शद। आज हम लोग बात करेंगे तेज़ गर्मी में छोटे मोटे पार्टी फंक्शन में यूज़ करने के लिए कंफर्टेबल कपड़े जैसे कॉटन, लिनन, इन लोग ये सब कपड़े को पार्टी वेयर बनाने के लिए लो बजट में हम कैसे इसको स्टाइलिश लुक दे सकते हैं, कैसे हम इसको पार्टी वेयर ड्रेस बना सकते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं कि हम लोग कैसे बना सकते हैं। एक वीडियो में मैंने कॉटन साड़ी से गाउन में कन्वर्ट करके गाउन बनाई, उस वीडियो को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया, लाइक किया, सब्सक्राइब किया, उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया और बहुत मेहरबानी। और उसकी लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप उसको प्लीज़ जाइए देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा उस पर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक और जानिए कैसे मैंने एक सिंपल कपड़े को स्टाइलिश ड्रेस में कन्वर्ट किया है और पूरे शरारे ड्रेस में मैंने कैसे डिज़ाइनिंग की है, छोटी छोटी डिटेलिंग की है लेस वर्क से, और इसके साथ मैंने एक इसके मैचिंग का डिज़ाइनर मास्क भी बनाया है। तो शुरू करते हैं दुपट्टे से। दुपट्टे में जो मैंने डिज़ाइनिंग की है, इसकी डिटेलिंग कैसे की है, किस तरह से मैंने ये पट्टी बना के अटैच की है, मैं बताती हूँ आपको। इस दुपट्टे पे मैंने सूट के कपड़ों में से ये कपड़े की पट्टी निकाली है और इसमें से उसमें ये किनारी वाली लेस अटैच की है। अब मैं बताती हूँ आपको कि मैंने इस पट्टी को कैसे तैयार की है। अब मैंने इसमें से ये साइड के कपड़े निकाल दिए। अब आप देख सकते हैं कि ये पट्टी चौड़ी है, इसको मैं इस तरीके से आयरन से दबा दूंगी। आयरन करके मैं एक साइड से इसे ऐसे आयरन करूंगी और इसे भी ऐसे मैं आयरन करके इसको दबा दूंगी। आयरन करने के बाद ये पट्टी कुछ इस तरह की लगेगी। अब इसमें मैं जब मैं ये आयरन करके इसे इस तरीके से सेट कर लूँगी, उसके बाद मैं इसमें ये किनारी वाली लेस इस पर रख के स्टिचिंग करूँगी। पहले इधर स्टिचिंग करूँगी, फिर इसे भी सेट करके प्रेस से, इस तरीके से मैं इसे आयरन से सेट कर दूंगी, फिर मैं इस पर स्टिच कर दूंगी। तो स्टिच करके ये कुछ इस तरीके की पट्टी बन जाएगी। अब इस पट्टी को, ये पट्टी तैयार हो गई। इसी तरीके से पूरे दुपट्टे की 7 मीटर पट्टी होती है, उसे बना के उसके बाद इस दुपट्टे पे अटैच करना है। दुपट्टे के साइड्स पे पहले लगाना है, जैसे ये है, इसे दुपट्टे के साइड में पहले इस साइड में स्टिच करनी है, उसके बाद इसे आयरन करके इसे सीधा करके इसे रख देना है। और आप चाहें तो इसे सेट करने के लिए, इसके नीचे में झोल नहीं है तो आप इसमें पिन से इसको सेट कर सकते हैं। सेट करने के बाद पहले आप इधर की स्टिच करेंगे, फिर आप इसे रख के इधर की स्टिच करेंगे, और साथ ही साथ स्टिच जब करेंगे तो आपको इसके ध्यान रखना होगा कि ये नीचे एक जगह जमा नहीं हो, झोल नहीं हो, और सीधे इसे खींच खींच के देखना होगा आपको कि ये सिमटे नहीं। शरारे के बारे में हम लोग बात करते हैं। इस मजेंटे कलर में चुनरी प्रिंट है, तो इसकी जो इसमें जो प्रिंट है ये आप देख सकते हैं, ये ग्रीन कलर में, तो इससे मैं मैच करता हुआ डिज़ाइन की हूँ। और ये मैं प्लेन लिनन ली हूँ, तो मैं आपको बताती हूँ कि दुपट्टे में जो मैंने डिज़ाइनिंग की है वो ग्रीन कलर इसके मैचिंग के दुपट्टा ली हूँ। और इस कपड़े की पट्टी निकाल के जिस तरीके से अभी मैंने आपको बताया है कि मैंने इसकी पट्टी बना के लगाई हूँ, तो दुपट्टा इस कलर का है तो इसमें पट्टी मैंने इस कलर की डिज़ाइन की है, इसलिए जो पिंक मजेंटा कलर की ड्रेस है मेरी उसमें मैंने ये दुपट्टे से मैच करता हुआ और इसकी जो मैचिंग है उससे मैं ये पट्टी बना के इसमें डिज़ाइन की हूँ। मैं बताती हूँ अब ये पट्टी मैंने कैसे बनाई है। इस पट्टी के लिए मैंने ये प्लेन लिनन कपड़े ली हूँ, इसकी मैंने पट्टी काटी है, उस पर इससे मैंने डिज़ाइनिंग की और ये किनारी वाली लेस मैंने ये लगाई।
अब इससे मैं इससे ऐसे पतली पतली पट्टी काटी हूँ स्ट्रिप। आप चाहें तो चौड़ी भी स्ट्रिप दे सकते हैं या पतली भी दे सकते हैं, जो आपकी मर्जी है। इसको ऐसे करके इसे भी मैंने प्रेस से सेट किया, इस तरीके से सेट की हूँ, और इधर भी मैं प्रेस से सेट कर ली। सेट करने के बाद मैं इसे, ये पतली लेस, ये बहुत ही सस्ती मार्केट में आसानी से अवेलेबल है, आप भी ले सकते हैं। इसको मैंने ऐसे, आप चाहें तो तिरछी लाइन भी दे सकते हैं, आप चाहें तो इस तरीके से क्रॉस भी बना के दे सकते हैं, या आप कोई भी डिज़ाइन इस पर कर सकते हैं। तो इसके लिए आप जब आप एक बार भी ये प्रेस से आयरन करके बैठा लेंगे तो इस पर ये लाइन बन जाएगी। आप ये देख सकते हैं कि ये लाइन बन गई। अब आप इस पर इस तरीके से एक बार फिर इधर ला के, फिर इधर ला के, फिर इस तरीके से पूरी अटैच करनी होगी। अटैच करने के बाद ये यहाँ तक अटैच होगी और यहाँ से कट हो जाएगी। जब ये पूरी स्ट्रिप बन जाएगी तो बनने के बाद फिर इस पर ये आयरन करके मैं एक लाइनिंग सिलाई कर दूँगी। एक सिलाई इधर, एक सिलाई इधर, और जो इसकी कोर इधर आ रही है वो दोनों इसके अंदर चली जाएगी। और उसके ऊपर आप चाहें तो दोनों तरफ भी दे सकती हैं, आप चाहें तो एक तरफ भी दे सकती हैं। उसके बाद मैंने इस पर ये बनाने के बाद ये किनारी वाली लेस लगाई और इस तरीके से मैं इस पर ये पट्टी तैयार की। इसी तरीके से मैंने पूरे शरारे के लिए ये पट्टी तैयार की और शरारे के नीचे मैंने अटैच की। ये तो हमारे डिज़ाइनिंग का प्रोसेस था। मैं आपको शरारे में कुछ और बताती हूँ जो मैंने आप चाहिए तो शरारे में इलास्टिक भी डाल सकती हैं या फिर इसमें आप कमरबंद भी डाल सकती हैं। इसे किसी भी तरीके से आप बना सकती हैं। कुछ लोग जो है इलास्टिक में कंफर्टेबल नहीं होते क्योंकि इलास्टिक का दाग पड़ जाता है, स्किन में रैशेज आने लगती है, तो इस वजह से मैंने इस पर ये जारबन डाला है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने जहाँ जहाँ पे इसकी ज्वाइनिंग की है, मैंने इसकी डिज़ाइन को मैच करने के लिए ये लेस को मैं एक लाइन इस पर और चलाई, जिससे ये इसका चौड़ाई जो है इसकी मैच कर रही है। उसके बाद मैं थ्री लेयर का शरारा मैं बनाई हूँ। जहाँ जहाँ पे मैंने ज्वाइन की हूँ इसकी सिलाई, उसकी सिलाई पे मैं ये लेस लगाई हूँ, फिर मैं ये ऊपर भी इसकी सिलाई पे लेस लगाई हूँ। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मैंने पूरे शरारे पे जहाँ जहाँ पे ज्वाइंट की हूँ वहाँ वहाँ पे इस लेस से ज्वाइंट के ऊपर बैठाई हूँ, जिससे सिलाई पता नहीं चल रही है। ये मैं कुर्ती के नेट डिज़ाइन को दिखा रही हूँ। अब मैं आपको बताऊँगी डिज़ाइन कट करके कि ये मैंने डिज़ाइनिंग कैसे की है और इस पर कैसे बनाई हूँ। तो आप देख लीजिए पहले इसे, फिर मैं इसको पेपर पे कट करके मैं आपको बताऊँगी कि मैंने इसकी डिटेलिंग कैसे की है। ये मैंने पेपर लिया है, गले की कटिंग करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये 15 इंचेस चौड़े और 10 इंचेस चौड़ाई और 15 इंचेस लंबाई है। ये 15 इंचेस लंबाई है और 10 इंचेस चौड़ाई है। अब इसमें मैं 3.5 इंचेस मैं गले की चौड़ाई रखूंगी और इसके साथ में 6 इंचेस लंबाई रखूंगी और मैं एक स्क्वायर बना लूंगी। स्क्वायर बना के मैं इसमें एक कर्व करके इस तरीके से मैं इसे गोलाई दूंगी। ये गोलाई हो गई। अब मैं इस पे नीचे 7-8 इंचेस तिरछा करके मैं ये लूंगी। यहाँ से मैं 1 इंचेस लूँगी, 1.5 इंचेस, क्योंकि मैं बीच में भी कुछ कट करूँगी, और नीचे 1 इंचेस लूँगी।
और इसमें मैं 1/4 इंचेस आगे से कट करके डिज़ाइन बनाऊंगी। अब मैं इस पे 1-1 इंचेस पे मार्क करूंगी इसकी गोलाई की। और इससे मैं इसको मिला दूंगी। ये हो गया और ये कट हो गया। अब इस पर जो मैंने 1/4 इंच का ये लगाया है, 1/4 इंच पे मैं इस तरीके से हल्का सा स्लाइड कर दूंगी। अब मैं इसे कट करके निकाल के आपको दिखाती हूँ इस गले के डिज़ाइन को। अब मैंने ये ट्रेस करके आपको गले का दिखा दिया। अब मैं इसको कट करके रखी हूँ। अब ये मैं आपको गले के बारे में दिखा रही हूँ। ये नेक डिज़ाइन करने के लिए मैंने ये वाले नेक को काट लिया, ये कट हो गया। अब इसको मैं इस कलर के कपड़े पे मैं इसे इस तरह से प्रेस से अटैच कर लूँगी आयरन से। आयरन से अटैच करने के बाद आप देख सकते हैं कि इस तरीके से मैं इसको आयरन से अटैच कर लूँगी। आयरन से अटैच करने के बाद मैं इसे इतने इतने से मार्जिन पे मैं इसे कट कर लूँगी। ये इस तरीके से मैं इस तरीके इतने कपड़े को थोड़े थोड़े से छोड़ के फोल्ड करने के लिए मैं इसको कट करके इस नेक को निकाल लूँगी। नेक को निकालने के बाद मैं इस पूरे पोर्शन पे इस वाले लेस से डिज़ाइन करूँगी पलट के इसके पीछे तरफ। और इस पे आप चाहें तो आप इस पे क्रॉस भी बना सकती हैं या सिर्फ ऐसे सिंगल सिंगल लाइन भी दे सकती हैं। इसको देने के बाद आप इसके ये जो लाइनिंग है, जब ये पूरा इसके पलट के लग जाएगा तो इसकी लाइनिंग जो ये कपड़े मैं छोड़ी हूँ इसको पलट के इस पर स्टिचेज होगी। स्टिच करने के बाद आप इसे बीच से जो है कट करेंगे। कट करने के बाद आप इसे पीछे से पलट देने के बाद वो इस तरह की हो जाएगी। पलटने के बाद आप उसकी बीच से कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद आप इसमें एक इस कलर के कपड़े की पट्टी लेके मैं इसमें पाइपिंग की हूँ। पाइपिंग करने के बाद मैं ये इस किनारे वाली लेस को मैं इसमें इस तरीके से दोनों साइड से अटैच की हूँ। अटैच करने के बाद उस गले को मैं इसको एज इट इज़ इस पर रख के स्टिच करके मैं इसे सेट कर दी हूँ। सेट करने के बाद जो ये बीच का जो कट आता है ये खुला हुआ है, फिर मैं इसको बाद में यहाँ से एक कपड़े की ट्राइंगल वाली पट्टी काट के मैं इसे यहाँ से अटैच कर दी। एंड आई एम श्योर कि आपको ये गले की डिज़ाइनिंग समझ में आ गई होगी। मैं स्टिच करके भी दिखाती लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, इसलिए मैं इसकी डिटेलिंग मैं आपको कट करके और समझा रही हूँ। नेक डिज़ाइन के बाद मैं आपको कुर्ती की पूरी डिज़ाइनिंग दिखाती हूँ और उसके बारे में बताती हूँ। ये तो नेक डिज़ाइन हो गए, उसके बाद मैं आपको स्लीव्स दिखाती हूँ। ठीक इसी तरीके से मैंने ये ग्रीन कपड़े की पट्टी बनाई, उस पर ये बारीक बारीक लेस लगाई हूँ। लेस लगाने के बाद आयरन से इसको दबा के मैं इस पर ये किनारी वाली लेस लगा के दोनों साइड मैंने स्टिच करने के बाद जब ये पट्टी तैयार हो गई तो मैं इसके ऊपर स्टिच कर दी। आप देख सकते हैं कि ये बनके कितनी अच्छी लग रही है और ये इसकी पैचिंग भी हो गई। और जैसी मैंने स्लिप्स में लगाई है वैसे ही मैंने दामन में भी स्टिचेस की। सारी स्टिचिंग एक जैसी हुई है, ये पट्टी और स्लीव्स की पट्टी और नेक की पट्टी। और आप इसके ड्रेस की मैचिंग भी देख सकते हैं, ये कितनी खूबसूरत लग रही है। कलर कॉम्बिनेशन इसका कैसा लग रहा है आप जरूर बताइएगा। और इसकी जो इसके चाक में भी मैंने इसे अंदर करके
मैं ही आपको बताऊंगी कि ये अंदर करके ये किनारी मैंने कैसे लगाई है। पहले आप एक बार इसके कपड़े को उल्टा करके इधर इसके किनारी को अटैच करके स्टिच किए, फिर इसे पलट के इस साइड से स्टिचिंग करने से आप देख सकते हैं दोनों में से किसी तरफ भी इसकी किनारी नज़र नहीं आ रही और इसमें कितनी फिनिशिंग है। ये मैंने चाक में भी लगाया है ये पूरे। चारों तरफ चाक पे लगाया, आप देख सकते हैं नीचे पीछे लगी। मैंने ड्रेस के मैचिंग का, कई लोगों ने कहा था कि आप मास्क भी मैचिंग का बनाइए, तो मैंने इस दोनों ड्रेस को कपड़े को फैब्रिक को मैच करके मैं दोनों से डिजाइनिंग करके मास्क बनाई और मैं आपको दिखाती हूँ कि मास्क कैसा बनाई। मैंने इस कपड़े की एक पट्टी ली और इस कपड़े की पट्टी ली, इसको मैंने ये लंबी पट्टी मैं काट के इसे इस तरीके से स्क्वायर में आप देख सकते हैं छोटी छोटी पट्टी काट ली, स्क्वायर स्क्वायर में छोटे छोटे काट ली। इसमें ढेर सारे मैंने इसे स्क्वायर पीसेस काटे और काट के मैं इसे इस तरीके से यू करके ये ट्रायंगल हो गए। ट्रायंगल आप बड़ा भी बना सकते हैं, ट्रायंगल आप छोटा भी बना सकते हैं, इस पर आप इस तरीके से स्टिच कर देंगे। इसी तरीके से मैंने सब ट्रायंगल बना के स्टिचेस की और पिंक कपड़े को मैं आठ सेंटीमीटर मैं लंबा ली, आठ सेंटीमीटर में चौड़ा एक कपड़ा ली, उससे मैं ये पिंक वाला कपड़ा मैं आठ सेंटीमीटर चौड़ा ली और आठ सेंटीमीटर लंबा ली, ये दोनों तरफ से मुड़ के ये सेवन सेंटीमीटर हो गया और ये इसमें मैंने ये प्लेट्स डाली है क्योंकि ये पहनने पे ये प्लेट्स इस तरीके से खुल जाती है और आप देख सकते हैं कि ये मास्क बनने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। और इसकी मैंने ट्रायंगल पीसेस बना के इसमें मैं दो पीस इस तरीके के स्क्वायर के आठ आठ इंचेस के मैं दो कपड़े ली, एक पिंक और एक ग्रीन। इस दोनों कपड़े को एक साथ मैंने स्क्वायर में स्टिच कर ली। स्टिच करने के बाद इसके कोने पे इस तरीके से ट्रायंगल लग रख के इसमें मैं स्टिच कर दी। स्टिच करने के बाद इस पिंक कपड़े की पट्टी लेके मैं यहाँ से पाइपिंग लगा के इसे इस तरीके से पाइपिंग बनी हो दी। मुड़ने के बाद आप देख सकते हैं कि ये मास्क बनने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है और ये मैचिंग का है और ये पहनने पर इस तरीके से खुल जाता है। और फिर मैंने इसमें इलास्टिक लगा दी, स्ट्रिप लगा दी इलास्टिक की, तो ये इस तरीके से उनके बहुत अच्छा लगता है। आप भी इसमें हर ड्रेस से मैचिंग बना सकते हैं क्योंकि आजकल कोरोना का टाइम है तो मास्क की बहुत ज़रूरत पड़ती है और हर ड्रेस पे कहीं भी जाएं तो आपको मास्क लगाने पड़ेगा। मैंने अपने पिछले वीडियो में जॉर्जेट की साड़ी को कन्वर्ट करके शरारा और दुपट्टा बनाया था जिसको मैंने अपने एक पुराने चप्पल के साथ पेयर अप करके दिखाया था। तो अगर आपको शरारे की कटिंग देखनी हो तो आप पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं, मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी पूरी लिंक दे दी है, आपको कटिंग शरारे की पूरी कटिंग उसमें मिल जाएगी। और अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप मेरे इंस्टा पे जाकर डीएम कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, आपको मेरे ये पूरे शरारे सूट की डिज़ाइनिंग और डिज़ाइनिंग प्रोसेस आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको पसंद आई तो आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस कीजिएगा ताकि मैं नया कोई भी वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।